मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ अनिता राय, आई एम फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल कांटी। मैं आपके साथ आज जुड़ रही हूँ सब्जेक्ट ईवीएस के साथ। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आज क्लास टू का ईवीएस चैप्टर वन, माय बॉडी मींस मेरा शरीर। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर में अलग अलग तरह के अंग होते हैं, और ये आपने क्लास वन में भी पढ़ा होगा, जैसे हेड, हैंड, लेग, नेक, ईयर, बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिसे मैंने जो हम बोर्ड पे नहीं मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने बॉडी पार्ट आपके बोर्ड पे यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब हम जानेंगे बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शन मीन्स उनके काम। लेग्स का वर्क है, लेग्स का फंक्शन है वॉक करना, विदाउट लेग हम वॉक नहीं कर सकते हैं। हैंड्स का वर्क है होल्ड एंड ग्रेस्प मीन्स पकड़ना या कोई चीज को रोकना, रेस्ट मीन्स मुट्ठी बनाना। नीज मीन्स बैंड योर लेग, नीज के अगर नीज नहीं होंगे तो हम लेग्स को मोड़ नहीं सकते हैं। नेक मूव योर हेड, नेक का अगर नेक नहीं हो तो हम अपने हेड को इधर उधर मूव करने में हमें प्रॉब्लम होगी। नाउ कम टू अवर थर्ड टॉपिक, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। देयर आर सम बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन सी, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ऐसे बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, जैसे ईयर्स, आईज, नोज, लेग्स, हैंड्स। इन बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ऐसे बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट इज इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स मीन्स ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, और ये आपकी बुक में भी नहीं है, टॉपिक में भी नहीं है, ये मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। एक्सटर्नल इंटरनल बॉडी पार्ट्स मीन्स लंग्स, ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट, इन बॉडी पार्ट्स को हम देख नहीं सकते हैं। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, सेंस ऑर्गन्स। क्या आपको पता है सेंस ऑर्गन्स किसे कहते हैं? सम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू नो एंड सेंस द थिंग्स अराउंड अस, दे आर कॉल्ड द सेंस ऑर्गन्स। कुछ बॉडी पार्ट्स जो आसपास की चीजों को महसूस करते हैं उसे हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। दे आर फाइव सेंस ऑर्गन्स, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? फाइव। फर्स्ट इज आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। वंस अगेन, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। ओके, नाउ कम टू सिक्स्थ पॉइंट, हाउ टू टेक केयर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स की हम देखभाल कैसे करेंगे और उनका वर्क क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं आईज। द आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो आईज है वो हमें अपने चारों तरफ देखने में हमारी मदद करती है। टेक केयर ऑफ द आईज, आईज की देखभाल कैसे करेंगे? वॉश आईज विथ कोल्ड वाटर एवरी डे, हमें प्रतिदिन ठंडे पानी से अपने आंखों को धोना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज नेवर रीड और राइट इन डिम लाइट, हमें कम रोशनी में पढ़ना और लिखना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज सिट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्यूटर एंड टेलीविजन, हमें कंप्यूटर और टेलीविजन से दूरी बनाकर ही उसके सामने बैठना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज नोज। द नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो स्मेल होती है नोज हमारी हेल्प करती है उसे स्मेल करने में। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ, और वो हमारी हेल्प करती है सांस लेने में भी। द नोज हैज टू होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे नोज है उसमें दो होल्स होते हैं और उसे नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द नोज, हम नोज की देखभाल कैसे करेंगे? यूज ए सॉफ्ट टिश्यू और हैंडकेप टू क्लीन द नोज, हमें यूज करना चाहिए सॉफ्ट टिश्यू या हैंकी और साफ, सॉफ्ट के साथ वो साफ भी होना चाहिए। सेकेंडली डू नॉट पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनसाइड द नोज, हमें कोई भी नोकीली या तेज चीज अपने नाक में नहीं लगानी चाहिए। ऑलवेज कवर द नोज विथ स्नीजिंग, हमें
हमेशा छींकने के टाइम में अपने नोज को कवर करना चाहिए। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, ईयर्स। द ईयर्स हेल्प अस टू हियर द साउंड अराउंड अस। जो कान है हमारी हेल्प करते हैं आसपास की आवाजों को सुनने में। टेकिंग केयर ऑफ द ईयर्स, ईयर्स की हम देखभाल कैसे करेंगे? नेवर पुट एनी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन द ईयर। हमें कभी भी कान में कोई नोकीली या तेज चीज को अपने कान में नहीं लगाना चाहिए, नहीं अंदर डालना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम लाउड साउंड्स, देन कैन डैमेज द ईयर्स। हमें तेज आवाज से दूर रहना चाहिए और उससे हमारे ईयर्स जो हैं वो डैमेज होते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ फोर्थ इज टंग। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड। जो जीभ है हमारी वो हमारे भोजन को टेस्ट करने में, उसका स्वाद चखने में हमारी हेल्प करती है। वी कैन टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, सॉल्ट एंड बीटर फूड आइटम्स। जब हम कुछ भी खाते हैं, चाहे वो तीखा हो, मीठा हो, कड़वा हो, नमकीन हो, तो उसका वो हमारे उसका टेस्ट हम अपने टंग के ही अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द टंग, क्लीन द टंग विद द टंग क्लीनर विद ब्रशिंग टीथ। जब हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं उसे हमें उस टाइम ही हमें अपने टंग को क्लीन करना चाहिए टंग क्लीनर के पर। सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट ईट और ड्रिंक टू हॉट और कोल्ड फूड। हमें कभी भी ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज स्किन। द स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील द वर्ल्ड अराउंड अस। इट कवर्स द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। जो स्किन है वो जब हमें कोई टच करता है तो वो हमें फील करने में महसूस करता है। इट कवर्स द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। वो हमारे बॉडी को बाहरी सतह से कवर में से ढक रखा है। और द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन इन द बॉडी। और जो स्किन है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन है। टेकिंग केयर ऑफ द स्किन, बाथ एवरी डे टू कीप द स्किन क्लीन। हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। वियर क्लीन क्लॉथ एवरी डे। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए।